Assalamu alaikum and welcome to day 7 of the daily vlog. Very excited. Please take a choko sa moment and subscribe to my channel. As always, I just woke up. You can tell from my hair, and I'm just gonna go have my breakfast. So let's go. क्या? हाँ, ये आप नाश्ता कर लें, चाय पी लें, मैं एक ही दफा दोनों कार्डों का इकट्ठा ही बना दूंगी। तो वी आर फाइनली ऑन अ छिपकली मारो मिशन। हमारे कमरे में एक मैट्रेस पड़ा हुआ था, उस मैट्रेस के अंदर पता नहीं कैसे छिपकली घुस गई थी। उसको वहाँ से मैट्रेस को उठाया, वो छिपकली भाग के चली गई वो उस सुराख के पीछे, और अब वहाँ से भगाया है तो वो चली गई उन पर्दों के पीछे, और पर्दों के पीछे से चली गई वो एसी के पीछे, और हमने एसी का सुराख पीछे से बंद कर दिया था, और अब हम लोग उसको मारने के मिशन पे लगे हुए हैं। अब वो मनहूस यहाँ से बाहर निकलेगी। तो हमारा गीजर हो गया है ख़राब, इतनी सर्दी और इतना ठंडा पानी हो गया है कि नहाना मुश्किल हुआ था। तो अब हमने बुलाया है गीज़र सही करने वाले को, और उस गीज़र सही करने वाले के चक्कर में मेरी ज़िंदगी के कोई 10-15 चक्कर ऊपर लग गए हैं, और उस भाई के मसले ही नहीं हल हो रहे। कभी ये वाला वॉशरूम जाके देखे, कभी वो वाला वॉशरूम जाके देखे, तो बहन सांस से निहाल हो गई है। पानी अभी तो ठंडा ही आ रहा है। कुछ नहीं होना इसका, इस बंदे ने मेरे चक्कर लगवा लगवा के मेरा तरह निकाल दिया है। हाय, इफ यू गाइज रिमेम्बर माई छिपकली वाला ब्लॉग, जिस दिन छिपकली मुझे कत्ल करने लगी थी, दिस इज द मनहूस किंग डॉग्स। तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे के चक्कर लगा लिए, एनर्जी तो ज़ीरो हो गई है, चक्कर आगे गिरने वाली हो गई। अम्मा मेड सवैयाँ। बस look at the sunset and look at my father. So today's menu is pie, garam garam kulche with garam garam pie. The aftermath of pie. The aftermath of pie. Assalamu alaikum and welcome to day 8 of the daily vlog. I hope आप लोग सब खैर से हैं, ठीक ठाक है, फिट फाट है और बिल्कुल मज़े में हैं। सो टुडेज अपडेट इज के बाबा इज गोइंग बैक, और आई एम मतलब ऑब्वियसली सैड, लेकिन खैरियत से जाएँ, वो खैरियत से दोबारा वापस आए इंशाल्लाह। तो अभी आई जस्ट गॉट रेडी, कुछ बाहर के काम थे वो मैंने उठते साथ ही उस नींद वाली हालत में कर ली हैं, और अभी बस तैयार हो गए हैं। अभी बस इन जस्ट 10 मिनट्स वी आर जस्ट अबाउट टू लीव, एंड देन उसके बाद देखते हैं कि बाकी पूरा दिन में क्या होने वाला है, बिकॉज माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू एयरपोर्ट, कुछ काम था और साथ बाबा से मिलने के लिए भी। तो यस, दैट्स द अपडेट फॉर नाउ, बाकी विल टेक यू ऑब्वियसली विद मी, तो देखते हैं क्या हो रहा है। So it is also मामा बाबा की wedding anniversary in by the end of the month. तो अभी उसमें कोई 20 days बाकी हैं, but क्योंकि बाबा चले जाएंगे, so we are just celebrating it right now. Happy wedding anniversary. सामने देखे मामा। तो
तो पूरा दिन की भागम दौड़ी के बाद गले की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है. सो नाउ विल हैव सम जुशांदा एंड विल रेस्ट और विल एंड द ब्लॉग राइट हियर. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. सर्दी हो गई, अपने गले का और अपनी सेहत का ख्याल रखें. एंड यस, अल्लाह हाफ़िज़.